वाले हैं कि अगर आपके YouTube पर MB ज़्यादा खा लेता है, यानी आपके मोबाइल में जल्दी MB खत्म हो जाता है वीडियो चलाते चलाते, तो आपको एक सेटिंग बता दे रहा, वो सेटिंग कर लीजिए। आपको लिमिट भर MB खत्म हो, यानी आप मानिए तो 9 के बराबर MB लगेगा और जो चलता है वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए वो सेटिंग बताते हैं। इस पर आपको बता देते हैं पहले एक और बात, इसमें हम डाटा सेवर लगाने वाले हैं, आपको अगर लगाने आता है तो लगा लीजिए, नहीं लगाने आता तो सीखते जाइए, हम आपको सिखाते हैं कैसे लगाना है, ठीक है। वही डाटा सेवर लगाने से मोबाइल में डाटा कम खाता है, यानी यूट्यूब पर डाटा कम खाएगा। चलिए यहाँ आ जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आपको प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे खाली आपको प्रेस करना है, यहाँ पर प्रेस कीजिए। चलिए यहाँ पर हम प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर हम प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर प्रेस कर देने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ऐसा आ जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। यूट्यूब का जो सेटिंग है उसमें जाना है, यहाँ देखिए यहाँ है ना सेटिंग, अच्छा आप यहाँ पर प्रेस कीजिए, ठीक है। इस पर प्रेस करते हैं, इस पर प्रेस करना देखिए बहुत सारा इंटरफेस आ जाता है, तो आपको जाना कहाँ है, आपको सबसे ऊपर में ही 3 नंबर में दिखाई देता हुआ लिखा हुआ है डाटा सेविंग, यानी इसमें डाटा सेव होगा, यानी डाटा बहुत कम यूज होगा और आपको डाटा 1.5 GB बहुत चलेगा, 1 GB हो भी वो भी चलेगा। डाटा सेविंग हो गया, यानी डाटा सेविंग पर प्रेस करते हैं, इस पर प्रेस किए, डाटा सेविंग पर प्रेस करना था कि ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो ऐसा आ जाने के बाद देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन खुल गया, तो आप में से इसमें से कुछ दूसरा पर प्रेस नहीं करना है, आपको सबसे ऊपर ही दिखाई देता हुआ लिखा हुआ है डाटा सेविंग मोड, यानी ये मोड आप ऑन कर दीजिए, यानी ये ऑन हो जाता है, तो आपको पहले 10 MB जो MB खाता है उसके बाद वो वही वीडियो में 1 MB आपको खाने लगता है और बहुत अच्छा आपको MB चलेगा, यानी 100 MB में पहले 1000 MB में जो काम होता था वो आपको 100 MB में हो जाएगा, तो आपको 900 MB का तो बचत हुआ ना। चलिए ये सब भी आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये रहा, ये वाला बता रहा हूँ, इसका मतलब वो है जी, इसका मतलब ये ऑन रहेगा ना, खाली वाईफाई से वीडियो डाउनलोड होगा, तो आप इसको ऑफ ही रखिए क्योंकि आप वाईफाई और दोनों से करते हैं ना, तो इसको आप खाली ऑन कर लीजिए, ठीक है। मैं जो टिक लगा दे रहा हूँ, देखिए इसको खाली आप ऑन कर लीजिए, आपका काम हो गया। आप डायरेक्ट यहाँ से बैक आ जाइए और बैक आने के बाद आप कुछ भी यहाँ से जहाँ पर प्रेस करके ऐसे कुछ भी चलाइए, आपको चलाइएगा तो आपके जो भी वीडियो है उसमें बहुत कम MB खर्चा होगा, यानी जो वीडियो 200 MB का है ना वो आपको 10 MB में पूरा फिल्म आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।